दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे दिव्यांश की तबीयत ख़राब है। उसको इलाज के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि उसे बार बार टॉयलेट आ रही है। दोस्तों, उसके पेट में प्रॉब्लम है। दोस्तों, उसके इलाज को हम अस्पताल ले जाएंगे, तो ब्लॉग वीडियो में आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो। वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। दोस्तों, यहां पर हम दिव्यांश का इलाज करवाने के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, यह मेरे शहर का मंगल धाम है, जहां पर दोस्तों शादी और अन्य कार्यक्रम यहां पर होते रहते हैं। और यह दोस्तों सामने अस्पताल है, जहां की बच्चों के डॉक्टर जो कि MBBS डिग्री लिए हुए हैं, उन्हीं से हम दिव्यांश की दवाई इलाज करवा रहे हैं। तो अभी मैं मेडिकल पर खड़ा हूं और मैंने दवाई ले ली है। दिव्यांश, तबीयत ख़राब हो गई, टॉयलेट बार बार आ रही है। आ रही ना, हाँ फ्रेश हो गई, आ रहा है ना बार बार। हाँ तो दवाई करवा ले आए। देखो, दिव्यांश की दवाई हो गई है, दवाइयाँ आ गई हैं। 4 cc हैं भैया, दिव्यांश 4 cc हैं। बनाना दिव्यांश के लिए लाए हैं और तुम्हारे लिए भी लाए हैं। डॉक्टर साहब ने बोला है जिसको बार बार टॉयलेट आती है उसके लाजें, हाँ उसके लाजें केला खिलाया जाता है, दही चावल खिलाए जाते हैं। दही चावल खाओ, केला खाओ, उससे तबीयत ख़राब नहीं होते। हाँ, उससे तबीयत ख़राब नहीं होती है। तो दिव्यांश, दही चावल खाना है और दवाई टाइम जो दही चावल खाओ पहले, और टाइम से दवाई खाना है, तब जाके आप ठीक हुई हो। और जब ठीक हो जाओ तो फिर स्कूल भी जाना है, ठीक है। तो अभी अपन दवाई करवा के आ गए हैं, तो ठीक हो जे हो। 2-3 दिन लग हैं, डॉक्टर साहब ने बोलो है चाय नहीं पीना है। क्या नहीं पीने? चाय नहीं पीना है, चाय नुकसानदायक होती है। केला खाना है और ये दही चावल खाना है, ये दही है। हाँ, आपको भी नहीं पीना है। और ये दही भी लेके आए हैं तुम्हारे लाजे, ठीक है। तो भैया, दवाई में हमारे 800 रुपया लग गए हैं, और मेडिकल की है कुछ दवाई, तो दवाई तो बहुत महंगी हो गई है। अब ठीक हो जाओ तुम यार, यदि ठीक नहीं हुई हो तो दोबारा लेके जाने पड़े, टेंशन वालों काम हो गए, ठीक है। डॉक्टर साहब ने बोली है उबलो पानी भी पीने हैं, और हाँ गर्म पानी पीने हैं। दवाई तो हम करवा रहे हैं, तो अपन को चाय नहीं पीने हैं और गर्म पानी पीने हैं, केला खाने हैं, दही चावल खाने हैं। ठीक हो जाओ तुम, जल्दी ठीक हो जाओ, ठीक है। तो चलो दवाई खाओ। दोस्तों, गिलास में फ्रूटोलाइट जे ORS घोल मिला दिया है। अब जे ORS वाला पानी दिव्यांश को पीना है। इस पानी से बहुत जल्दी आराम लगता है।
और इसके बाद दोस्तों जे सिरप भी डॉक्टर साहब ने दी है, इन सिरपों को भी लेना है, जे दवाई भी पीना है। चलिए दिव्यांश को दवाई देते हैं। वाली जो शीशी है 10 ml देना है, तो थोड़ा दवाई पीने से पहले उसको शीशी को हिला लेना चाहिए ताकि दवाई अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, चलो पी लो एक ही बार में। अब जो पानी पियो ORS वालों, ORS वाला रखो है ना, ORS वाला पानी है। हाँ तो थोड़ा सा पीने, अब और भी दवाई तो रखी है, जे भी तो तुम्हें खाने हैं, जे भी दवाई तो पी, रेड कलर की दवाई है, चलो जे भी पीना है, चलो पियो, पी लो। अच्छा अब इसके बाद में यदि कड़वी लग रही हो तो पानी पी लो, ये ORS वाला कड़वी तो नहीं लग रही। हाँ पी लो तो पी लो, हाँ पी लो, पानी पी लो। क्या खा रहा है, केला खा रहे हो? केला लेके आए हैं बाजार से, ताजी केला है, उल्टी नहीं आ रही थी, बेकार आई थी। खा लो खा लो। ठीक है विधि, तुम भी खाओ केला, बहुत अच्छा वाला केला है। ठीक है, बहुत सारे लेके आए हैं अब हम बाजार से। ठीक है आओ तो फिनिश करो, 15 केला लेके आए हैं, कितने 15। जिसको टॉयलेट बार बार लगती है उसको केला खाना बहुत बढ़िया रहता है। दिव्यांश की दवाई करवा के आ गए हैं हम घर पर, और दिव्यांश अभी केला खा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए दिव्यांश का एक ब्लॉग वीडियो शूट कर लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ब्लॉग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।